महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह लव जिहाद के खिलाफ जिहाद प्रिवेंशन कानून बना, उसी तरह से महाराष्ट्र में बनना चाहिए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के उप मंत्री जो पढ़े लिखे आदमी है उनसे कहना चाहता हूं, आप लव जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लफ्ज है, मैं इस पर आपको कई किताबें दे सकता हूं। जिहाद को लुच्चे लफंगों जो जो किसी की बहन बेटियों को से शादी करें और वो धोखे से करें, ऐसी जगह पे जिहाद को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा जुल्म है जिहाद लफ्ज के साथ। आप जरूर कानून बनाइए, मगर मैं आपसे पूछूं कि सर आज तक आपने किसी मुस्लिम जमात या किसी मुसलमान से ये सुना क्या कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से उनका धर्म परिवर्तन करो और जो करेगा ये काम उसको हम 2 लाख रुपए देंगे? आज तक आपने सुना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। आगरा के अंदर कबाड़ी लोग बैठे थे, उनको ले जाकर कहा ये हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों मुस्लिम लड़कियों को जो है हिंदू बनाया गया, शादी की गई। 18 साल की उम्र के बाद सब आजाद हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। आप ये कानून बनाइए, मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारे परिवार को, उनके माँ बाप को खुशी होगी कि वो अगर हिंदू हैं तो उनके घर में कोई मुस्लिम लड़की ना आने पाए, और अगर वो मुस्लिम है तो उनके घर में हिंदू लड़की ना आने पाए। जो उनका उनकी संस्कृति है, जो उनका रवाज है, उसे खराब होता है। अब बनाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून के ने 18 साल की उम्र के बाद लोगों को आजादी दी है, उस आजादी को खत्म कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि कोई शख्स ये बहुत खुश होगा कि किसी और धर्म की लड़की को लाकर शादी की जाए। कानून बनाए, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए नहीं बनना चाहिए। आज भी अगर मस्जिद में अजान होती है तो सुबह 6 बजे के पहले और रात को 10 के बाद। लेकिन मैं फडणवीस साहब, मैं आपको एक नहीं लाखों ऐसी मिसालें दूंगा कि जो रात भर कहीं कीर्तन के नाम पर, कहीं और किसी नाम पर पूजा होती है, लेकिन किसी मुसलमान ने उसका कभी विरोध नहीं किया। धर्म सर्वप्रिय होता है, लोग धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। लेकिन आप लोग मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों पे अगर लाउडस्पीकर जोर से बज जाए या सुबह 7-6 के पहले या